इमली के औषधीय गुण। इमली पोषक तत्वों से भरपूर। आम तौर से पाई जाने वाली इमली को अरबी और फारसी भाषा में दिए गए हिंदी तामर और भारतीय खजूर सही मायने में उद्बोधक नाम है। भूरे रंग की नाजुक फली के अंदर जो मांसल खट्टा फल होता है उसमें टार्टारिक एसिड और पेक्टिन समाविष्ट है। इमली के फायदे। आमतौर पर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में क्षेत्रीय व्यंजनों में एक स्वादिष्ट मसाले के रूप में इमली का प्रयोग किया जाता है। खास तौर पर रसम, सांभर, वताकपुली योगरे इत्यादि बनाते वक्त इमली इस्तेमाल होती है और कोई भी भारतीय चाट इमली की चटनी के बिना अधूरी ही है। यहाँ तक कि इमली के फूलों को भी स्वादिष्ट पकवान बनाने के उपयोग में लाया जाता है। इसके पत्ते शरीर को शीतलता प्रदान करते हैं एवं अपित्त कर और पेट के कीड़ों को नष्ट करने में भी मदद करते हैं। इसके अलावा इसके पत्तों को पीलिया के इलाज में भी उपयोग में लाया जाता है। इमली के पेड़ की छाल एक स्तंभक के रूप में काम करती है। इमली के फल का गूदा पाचन प्रणाली को शीतलता प्रदान करता है एवं रोचक और रोगाणु रोधक भी होता है। पाचन विकार। पके हुए फल का गूदा पित्त की उल्टी, कब्ज और गैस की समस्या, अपचन के इलाज में लाभदायक है। ये कब्ज में भी लाभकारी है। पानी के साथ इसके गूदे को कोमल करके बनाया हुआ निषेध भूख में कमी, भोजन ग्रहण की इच्छा में कमी होने पर लाभकारी है। इमली के दूध का पेय भी पेचिश के इलाज में काफी लाभकारी है। स्कर्वी। विटामिन सी की कमी। इमली में विटामिन सी की मात्रा प्रचुर होती है और ये स्कर्वी को रोकने और उसके इलाज में लाभदायक है। सामान्य सर्दी जुकाम को दूर करने के लिए इमली और काली मिर्च का रसम दक्षिण भारत में सर्दी जुकाम के इलाज के लिए इसे प्रभावशाली घरेलू नुस्खा माना जाता है। जलने पर इमली की कोमल पत्तियां जलने के घाव के इलाज में काफी लाभकारी हैं। उसे एक ढके हुए बर्तन पर आग से गर्म करते हैं, फिर उसे अच्छे से पीसकर उसे छान लेते हैं जिससे रेतीले पदार्थ निकल जाए। छानने के बाद उसे तिल के तेल के साथ मिलाकर जले हुए भाग पर लगाया जाता है। इससे घाव कुछ दिनों में ही ठीक हो जाता है।